अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ आउटिंग पर, और आउटिंग पर कहाँ जा रही हूँ आप लोगों के साथ छोटा सा व्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगे। वैसे तो मक्का में ज़्यादा आउटिंग एरियाज़ बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ, ताकि दूसरों को भी पता चले यहाँ पे मक्का में हरम और काबा, मतलब कि ज़ियारतों के अलावा और कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पर हैं। वैसे तो यहाँ पे मतलब मखसूस नहीं बनी होती जैसे हमारे दूसरी सिटीज़ में है। जैसे ताइफ में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर जगह जगह पार्क, झूले और ये वगैरह लगा होता है, लेकिन मक्का में ऐसा नहीं है। मक्का में बहुत मखसूस पार्क वगैरह हैं। और जो अभी मैं जिस पार्क में जा रही हूँ, ये जबलन नूर में है और इसका नाम अदल पार्क है। ये भी छोटा सा बनाया हुआ है कि अगर आपका दिल कभी भी करे, मतलब लोग कुछ लोग सुबह के टाइम वॉक करने भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये सिटी के अंदर है तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जब भी आप मतलब जबलन नूर यानी कि गारे हिरा जब भी जाएं, तो रास्ते में भी आपको ये साइड पे लेफ्ट या राइट साइड पे, क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर ही है, पार्किंग एरिया इसके अंदर बिल्कुल फ्री है। और बच्चों के लिए इन्होंने सेंटर में झूले लगाए हुए हैं और साइडों पे इन्होंने छोटी छोटी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बच्चे आराम से वो इंजॉय कर लेते हैं अपने राइड्स, और आप पार्क में बैठ के कुछ भी इंजॉय करेंगे। मोहम्मद को झूलों पे जाने से पहले ही सबसे पहले याद आ जाती है जंपिंग, तो बस वो चला गया जंपिंग की तरफ। पहले जंपिंग करता रहता है कुछ 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद जब उसकी नज़र पड़ती है इन छोटी छोटी गाड़ियों पे, तो फिर वो आहिस्ता वन बाय वन सारी गाड़ियाँ ट्राई करता है। और फिर सारे राइड इंजॉय करने के बाद फिर जब थक जाता है, फिर स्विंग की तरफ जाता है, मतलब वो पिंक जो साइड पर आपको नज़र आ रही है झूले। फिर उसके बाद भाई कुछ खाने के लिए लेकर आया था। अब खाने में क्या लाया था, एक ही है नए पिज़्ज़ा, मतलब जिस ब्रांड से लेकर आया था उन्होंने कोई नया लॉन्च किया था, तो कह रहा था जस्ट ट्राई के लिए लेकर आया हूँ। और साथ में ये लेकर आया था ये फरमूजा, और साथ में लाया था मंथो। इधर मंथो कहते हैं, पाकिस्तान में इसको मोमोज कहते हैं। अंदर चिकन उसकी कीमे की मटेरियल होता है अंदर, मिक्सचर वगैरह, और साथ में इसके फरमूजे के साथ चटनी अलग होती है और मंथो के साथ चटनी अलग होती है। और साथ में था एक तामिया का सैंडविच। हमारे घर में मेरी एक सिस्टर को तामिया का सैंडविच बहुत पसंद है, कुछ भी आया लेकिन उसका सैंडविच ना आया तो उसको बिल्कुल अधूरा लगता है। मैं फिर किसी दिन आपके साथ इसका पूरा my appetite, don't leave me here high and dry.